ये जो है 10 बजे लो रात घर रहा और हम पढ़ के सो गए। हमें ये पता नहीं किस टाइम पुलिस उठा ले यार, किस टाइम नहीं। अच्छा जी, हमें जो है जैसे सुबह ही उठे कोई 4 बजे, हमें जब पता लगा कि यहाँ नहीं है, फिर हमें पता लगा नुको जी उतर पकड़ा गया। उसके पकड़ने के बाद ही तुरंत पता आया कि मार दिया गया। अच्छा, कहाँ की पुलिस ने पकड़ा? कहाँ की पुलिस ने पकड़ा था? हमें पता ही नहीं लगा जी कहाँ की पुलिस लेगी पकड़ के। सूचना तो किसी ने दी होगी, सूचना तो बताई होगी ना आपको। यहाँ सरूरपुर। अच्छा, ये कहाँ से चला था, किस टाइम चला था रात में? बता रहा हूँ जी, 10 बजे लो तो घर रहा, फिर हम तो सो गए किसान आदमी। अच्छा, इसका कोई आपराधिक इतिहास है? नहीं जी, कोई आपराधिक इतिहास कोई नहीं है। पूरे परिवार में, पूरे परिवार में भी कोई 51 का भी केस नहीं है जी। काम क्या करता है? बाबूजी क्या नाम आपका? दिलशाद जी। दिलशाद भाई, बच्चे के साथ में क्या घटना करो, मौत क्या पूरा मामला है? आज ये तो मजदूरी कर रहे थे जी, इंटो गाड़ी पर रहा था। अच्छा, तो आपको क्या क्या सूचना मिली आपको? फौजी 9 बजे मतलब घर था जी, रात को 9 बजे। अच्छा, अब कब उठाया था ये? मैं जब उठा तो ये वहाँ नहीं था, घर नहीं था। अच्छा, फिर क्या पता चला घर से? फिर पता लगा ना, पकड़ा था रात को 9 बजे पुलिस ने पकड़ लिया। और जी फिर पता गा गैल गैल अग्नों को मार दिया। मेरा नाम जुनेद अहमद। जुनेद भाई, भाई के साथ में घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला है? घटनाक्रम के बारे में हमें इतनी जानकारी है कि 10 बजे तक तो लड़का हमारा हमारे पास था, मतलब हमारे घर। उसके बाद जो है पता नहीं, मतलब हम ये इनके चाचा जो है, इनके पिताजी जो है, ये तो सो गए। वो घूमने को निकला है या कैसे निकला है या उसे पुलिस ने गश्त पर उठाया, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं पूरे तरीके से। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि वो यहाँ घर पर नहीं है, फिर उसके बाद कुछ ही मतलब 1-2 घंटे बाद ही तकरीबन 7:45 सुबह ये सूचना मिल गई कि उसे सरूरपुर पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। अब हमें ये पता नहीं कि एनकाउंटर किस बेस पर करा गया है। आज तक उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई उस पर 51 का मुकदमा नहीं है, उसके पूरे परिवार पर कोई मुकदमा नहीं है। और उसके जो है मतलब वो इस तरह के किसी भी काम में कहीं भी आज तक इन्वॉल्व नहीं रहा। प्रकाश एक गश्त में थे, उनको एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी जिसमें कुछ बैल लदे हुए थे, इन्होंने साठ उसमें थे कुछ। जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो गाड़ी बहुत तेजी से भागी, फिर सरकारी गाड़ी जो थी जीप उस पर टक्कर मारी है। और जब इन्होंने उसका पीछा किया तो लगातार उसमें जो बदमाश बैठे थे महिंद्रा पिकअप में, वो पत्थर फेंकने लगे गाड़ी के ऊपर और फायर करने लगे। पुलिस जो थी बड़ी बहादुरी के साथ उनका पीछा करती रही बदमाशों का। इसके बाद वहाँ से चौकीचा मुलेड़ा और इधर से थाना सरूरपुर की गाड़ी भी पहुँची और हर्रा जसड़ मार्ग पे उन्होंने लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया। पुलिस ने भी क्रॉस फायर किया जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और बाकी उसमें जितने बदमाश थे गन्ने के खेतों में भाग गए। जो बदमाश घायल हुआ है उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी